गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, आज आपका चैप्टर है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन के कुछ लॉज हैं। मल्टीप्लिकेशन का क्या मतलब होता है? रिपीटेड एडिशन, मींस एक ही नंबर को आप रिपीटेडली ऐड कर रहे हो। सबसे पहला है क्यूमिटेटिव लॉ, जिसमें दिया है द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स रिमेन्स द सेम वॉट एवर द ऑर्डर ऑफ द नंबर। जैसे 15 × 30 करिए तब भी 450 आएगा, और 30 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 450 आएगा। बोथ द ऑर्डर द प्रोडक्ट इज सेम। प्रोडक्ट किसको बोलते हैं? जब दो नंबर को हम मल्टीप्लाई करके आंसर निकालते हैं तो उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। नेक्स्ट है एसोसिएटिव लॉ, द प्रोडक्ट ऑफ थ्री और मोर नंबर्स रिमेन्स द सेम वॉट एवर द ग्रुपिंग। अगर आप दो से अधिक नंबर भी लेते हैं तब भी सेम ही आंसर आएगा। जैसे 2, 8, 35 और 10 लिया है, सॉरी यहाँ 8 नहीं होना चाहिए, यहाँ 9 लिया है उन्होंने, तो 9 × 35 × 10 करिए, या 9 × 10 × 35 करिए, या 35 × 10 × 9 करिए। नेक्स्ट है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर एडिशन। देखो नंबर जैसे दिया है a × b + c, मतलब मान लीजिए जैसे नंबर लिया 5 × 3 + 4, तो 5 को 3 से भी मल्टीप्लाई करना है और 5 को 4 से भी, तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं 5 × 3 + 5 × 4, या फिर 5 × 3 + 4, दोनों तरफ से आपका आंसर सेम आएगा। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, द प्रोडक्ट ऑफ नंबर, किसी भी नंबर को आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम नंबर आएगा, किसी भी नंबर को जब आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर 0 ही आएगा। अब यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स दिया है, फिल इन द ब्लैंक्स में आपको भरना है। जैसे 412 × 31, तो यहाँ क्या मिसिंग है? 412। उसी तरह से यहाँ पे 216, किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा? 0 से। यहाँ किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि यही नंबर आएगा? 1 से। यहाँ पे सेम नंबर आएगा। उसी तरह यहाँ पे आंसर आपका 0 आएगा, यहाँ आपका 191 आएगा, यहाँ 923 आएगा। उसी तरह से यहाँ कौन सा नंबर मिसिंग है? यहाँ 3 नंबर दिए हैं, यहाँ 28 और 41 है, यानी 23, और 28 × 23। नेक्स्ट है आपका ये, तो इसमें हम क्या लिखेंगे? 91 × 38 और 91 × 29। ये हो गया आपका एक्सरसाइज, ये बुक में ही रहने दीजिएगा, इसको कॉपी में नहीं करना है। अब देखिए नेक्स्ट जो है आपका मल्टीप्लाई करना है बाय 10, 100 and 1000। 100 में सीधे आपको नंबर में लास्ट में 0 लगा दीजिए, आपका मल्टीप्लाई हो गया। हंड्रेड्स में 2 0 लगेंगे लास्ट में, और थाउजेंड्स में 3 0 लगेंगे। लेकिन यहाँ आपका नंबर आ जाएगा, जैसे 45 × 20, तो 45 × 20 में 45 को 2 से मल्टीप्लाई करिए और लास्ट में 10 कर दीजिए। जैसे ये किया है, देखो 45 × 2 आपका आ गया 90, 10 किया आपका हो गया 900। उसी तरह से 64 × 50 है, तो 64 को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया, फिर 10 कर दिया, मेरा आंसर आ गया 3200। अब यहाँ पे देखिए नंबर दिया है 973 × 400, तो 973 को 4 से मल्टीप्लाई करिए, फिर 100 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ मल्टीप्लाई आपको सिंपल करना है, उसके बाद सीधे 100 से करके 2 0 उसके ऐड कर देने हैं, तो ये आपका मल्टीप्लिकेशन सिंपल है। अब देखिए एग्जांपल नंबर 3 में क्या दिखा रहा है, सुटेबल रीअरेंजमेंट करना है। 3 नंबर्स दिए हैं आपको, 37, 4 और 50। 37 आपने बाहर रख दिया, 4 और 50 को ब्रैकेट में करके पहले इनको मल्टीप्लाई किया, फिर आपने 37 से कर दिया। अब देखिए 4 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 आया, फिर आप 37 को 2 से करिए, 100 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपका जो मल्टीप्लिकेशन होगा आपका ये सिंपल हो गया। आपको इसमें 3 डिजिट को एक साथ लेकर करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, आपने इसको पार्टीशन अरेंजमेंट करके आपने इसको मल्टीप्लाई कर लिया। उसी तरीके से ये है आपका, आपने 125 को 8 से मल्टीप्लाई इसलिए किया ताकि मेरा हंड्रेड्स या थाउजेंड्स वाला नंबर आ जाए, उसके बाद आपने उस नंबर को 62 से मल्टीप्लाई करा है, तो सीधे सीधे आपका आंसर आ गया 62,000। अब ये आपका एक्सरसाइज पॉइंट 4.2 में ये आपका होमवर्क रहेगा, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको मैं कॉपी में करूँगी 1, 3, 5, 7, 9 और 11। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 में भी 1, 3, 5, 7।
ये एक्सरसाइजेज मैं यहाँ पे करूँगी। नेक्स्ट आपके बच जाएगा एक्सरसाइज 4.3 और 4.4 जो कि और 4.5 जो कि आपका डिवीजन है। तो ये लास्ट नेक्स्ट मंडे हम लोग इसको फिनिश कर लेंगे, या फिर बीच में अगर मुझे टाइम मिलेगा तब मैं आपको इसको फिनिश करवा दूँगी। तो अब आप लोग अपनी कॉपी खोलिए, कॉपी में डेट डालिए आज की, आज की डेट डाल करके मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन नंबर 1 तो आपको बुक में ही करना है, क्वेश्चन नंबर 2 की शुरुआत करनी है मुझे। फाइंड द प्रोडक्ट, फाइंड द प्रोडक्ट। अब पहला क्वेश्चन है आपका, सॉरी 73 × 70, तो इसमें मैं क्या करूँगी, 73 × 7 करूँगी और इसमें से टेंस निकाल करके बाहर कर दूँगी। तो 7 × 3 हो गया 21, 1 × 2 कैरी हो गया, 7 × 7 = 49 और 2 प्लस करेंगे तो आपका आएगा 51। अब इसमें 10 मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका सीधे सीधे आंसर हो गया 511C। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 93 × 40, तो इसमें भी मैं 93 × 4 करूँगी और टेंस को बाहर कर दूँगी। 4 × 3 = 12 हुआ, 1 कैरी करा मैंने, 9 × 4 = 36, 37 × 10 आपका आंसर आया 3720, ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट देखिए आपका क्वेश्चन है 92 × 400, तो इसमें भी 92 × 4 करूँगी और हंड्रेड्स को बाहर निकाल दूँगी। तो 4 × 2 = 8 और 9 × 4 = 36 × 100 किया। अब ये सिंपली आपको 2 0 इसके पीछे ऐड कर देने हैं, ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट है आपका 91 × 5 किया मैंने, क्योंकि ये थाउजेंड्स है तो इंटू थाउजेंड्स मैंने अलग कर दिया। तो 5 × 5 = 5, 9 × 5 = 45 इंटू 1000 किया, आंसर आया आपका 455,000। उसी तरह से ये करना है, 91 × 3 किया और आपने थाउजेंड्स को बाहर निकाल दिया, 3 × 1 = 3 हुआ, 9 × 3 = 27 हुआ, इंटू 1000 करेंगे तो मेरा आएगा आंसर ये। ठीक है, नेक्स्ट है अब आपका 82 × 30,000, तो इसमें 82 × 3 किया और मैंने 10,000 को अलग कर दिया, तो ये हो गया 3 × 2 = 6, 8 × 3 = 24 इंटू 10,000, तो मेरा आंसर आया ये, जो कि हो गया आपका 24,60,000। ठीक है, नेक्स्ट है अब आपका थर्ड में, थर्ड का पहला करेंगे जिसमें आपको सुटेबल रीअरेंजमेंट करना है। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन दिया है 4 × 38 × 25, तो इसमें मैं 38 को अलग करूँगी और 25 × 4 को एक साथ मल्टीप्लाई करूँगी, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके मुझे हंड्रेड्स वाला नंबर मिलेगा। तो ये हो गया आपका 38 × 100, आंसर मेरा हो गया 3800। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए आप, 412 को मैंने अलग किया 125 × 8, ये हुआ आपका 412 × ये होता है 1000, मेरा सिंपल मल्टीप्लिकेशन हो गया, ये आ गया मेरा आंसर। नेक्स्ट 172 को मैंने अलग कर दिया और 25 × 40 कर दिया, जो कि मेरा होगा 172 × 1000, यहाँ मेरा आ गया आंसर 172000। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इसमें मैं 83 बाहर करूँगी और 225 × 4 को मल्टीप्लाई करूँगी, तो ये आएगा 83 × 900,
अब इसमें से 9 मैं ले लूँगी और हंड्रेड्स को अलग कर दूँगी। तो 9 3 हो गया 27, 7 या 2 कैरी किया मैंने, और 9 8 72 73 74, ये हो गया मेरा आंसर। यहाँ आपकी एक्सरसाइज 4.2 जो है वो ख़त्म हो गई। नेक्स्ट मंडे हम लोग बाकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर लेंगे, तो आपका ये भी चैप्टर फिनिश हो जाएगा। थैंक यू।